हेलो एवरीवन, दिस इज कार्तिक केसवाल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फिजिक्स को कैसे फोड़ना है पूरा, ठीक है। तो देखो यार, कि थंबनेल आपने देखा ही होगा कि भाई फिजिक्स के बारे में हम लोग क्या बात करने वाले, विदाउट टाइम वेस्टिंग, बिना किसी समय बर्बाद किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो यार, पहला क्या है, फिजिक्स को अगर तुमको फोड़ना है, क्योंकि यार मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में, देखा है इंस्टाग्राम पे मैसेज पड़े हुए हैं कि भैया फिजिक्स में हमको बहुत दिक्कत है, केमिस्ट्री और मैथ तो कर लेता हूँ मैं, लेकिन फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। केमिस्ट्री में किसी को दिक्कत है वही वीडियो जाकर देख सकता है, केमिस्ट्री में वीडियो अलग है, लेकिन फिजिक्स में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। अब देखो यार, कि अभी हमारे पास कितने दिन बचे हुए हैं, मान लेते हैं कि 10-12 दिन बचे हुए हैं, और उस दिनों में कैसे तुम आराम से कर सकते हो, ये स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला, सीक्रेट स्ट्रैटेजी है भाई, कैसे मैं 140 प्लस मार्क्स उसमें गेन कर पाया था फिजिक्स में, वो मैं बात करने वाला हूँ। कैसे आप 1 के रैंक ला सकते हो वो मैं बात करने वाला हूँ। देखो, फिजिक्स का पेपर कभी भी सॉल्व करते हुए मैंने 5-10 ईयर पेपर एनालिसिस करने के बाद, मैं बोल रहा हूँ ठीक है, 5-10 ईयर पेपर एनालिसिस करने के बाद मुझे ये पूरा मतलब उसका निष्कर्ष कंक्लूजन ये निकला है कि यार जो फिजिक्स में आपका क्या पूछा जाता है कि न्यूमेरिकल्स, अगर 50 क्वेश्चन आपका है तो उसमें 30-35 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आएंगे, 30 क्वेश्चन एटलीस्ट न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे। तो मतलब क्या करना है, न्यूमेरिकल समझ लो, न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करना है। और कई बच्चे पूछते हैं 11th 12th का कितना मतलब पोर्शन आता है, तो ये देखो 12th से 60-65% पोर्शन 12th से होता है, और बाकी 40% या 35% 30-35% आपका 11th से होता है। तो देखो यार, बहुत सारे बच्चों को डाउट था, भैया मैंने 12th तो अच्छे से पढ़ी है लेकिन 11th को अच्छे से नहीं पढ़ पाया हूं, तो कोई बात नहीं, 12th का है जो 60% पढ़ो वही पढ़ो, और 11th में जो बता रहा हूं वो करना है, ठीक है। देखो यार, पहला स्ट्रेटेजी क्या है, मास्टर प्लान सारे होने वाले हैं, समझिएगा एक बात को, और वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि डेली हमारी मॉक टेस्ट चल रही है यूपीट्यूब पे, डेली 5 बजे से डेली मॉक टेस्ट स्टार्ट होती है, और उसमें 1000 से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप भी करो अगर आप चाहते हो कि और भी अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। तो ये तो बात अलग की होगी। देखो यार, पहला हमारा प्लान क्या है कि फार्मूला ज्यादा आता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। देखो यार, डिफिकल्ट नहीं आता, अगर फार्मूला आपको याद है तो फार्मूला पे क्वेश्चंस हो जाते हैं। मैंने 2-3 वीडियो बना रखी है कि भाई महारिवीजन फार्मूला पूरा फिजिक्स फार्मूला इवन शॉर्ट वीडियो बना रखी है, तो उसको जाके चेक करो यार, फार्मूला जरूर पढ़ लेना। फार्मूला तुम लोग कहाँ से पढ़ोगे, एनसीईआरटी का जो समरी सेक्शन होता है ना हर चैप्टर के, अगर कम टाइम है आपके पास वो 1-2 दिन में पूरा पढ़ सकते हो। जो एनसीईआरटी के जो पीछे एक होता है कि एक या 2-2 पेज में पूरा समरी दिया होता है, वो उसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। या पेज में बात कर रहा था कि फिजिक्स का अगर आप पेज उलाटोगे एनसीईआरटी में, 1 पेज में 2-3 फार्मूला होता है, उसको जरूर यार क्या करना है, याद कर लेना सारे फार्मूले को, क्योंकि अगर तुम फार्मूला याद कर लो तो मैं गारंटी बोल सकता हूँ 30-35 क्वेश्चन आराम से करके आओगे, 140 प्लस मार्क्स आराम से करके आओगे। पढ़ के जाते हो यार तुम लोग, मैं गारंटी दे सकता हूँ, फार्मूला अगर सारा पढ़ जाते हो 25 क्वेश्चन आराम से करोगे, 100 नंबर तो हो गया, लेकिन मैंने 140 प्लस मार्क्स लिखा वो कैसे गेन कर सकते हो वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है। और देखो यार, जैसे कि तुक्का एक होता है, क्योंकि यार इसमें यूपी2 में क्या है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुक्का भी लगाना जरूरी होता है, क्योंकि यार अब मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोग 100-110 क्वेश्चन करके आओगे, लेकिन बच्चे पूछ रहे थे भैया कि क्या निगेटिव मार्किंग करने से कुछ हमारा रिजल्ट पे असर पड़ता है, कि भैया हमने तो ज्यादा पूरे क्वेश्चन करके आए, निगेटिव मार्किंग ज्यादा हो गया, नंबर नहीं कटा लेकिन रैंक पे असर पड़ता है, बच्चे बोल रहे हैं ऐसा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका रिजल्ट आएगा उसमें क्या लिखेगा भाई, मार्क्स लिखेगा, बस रैंक लिखेगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस करके आने, 150 के 150 क्वेश्चंस करके आने, 50 में 50 क्वेश्चन करके आने हैं, मान लो 25 क्वेश्चन तुमने फार्मूलाज कर लिया, उसके बाद जो 25 क्वेश्चन है और जो मानो 5-10 क्वेश्चन है वो किससे हो जाते हैं, फिजिक्स में एक सुपर स्ट्रेटजी होती है कि भाई सारे क्वेश्चन डायमेंशन से हो जाते हैं, जैसे मान लो मीटर पर सेकंड इस पर ऐसे वेलोसिटी का, जैसे तुम लोग सबका यूनिट से क्वेश्चन हो जाते हैं या वैल्यू पुट करने से क्वेश्चन हो जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो, यूनिट एंड डायमेंशन जरूर करके जाना, उससे 2-3 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, और उसी बेसिस पे तुम तुक्का भी लगा सकते हो यार, इंटेलिजेंट तुक्का उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, पहला फार्मूला पूरा अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, दूसरी बात कि पेपर कैसे सॉल्व करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। सबसे पहली बात कि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चों का फेवरेट होता है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री को 45 मिनट के अंदर निपटाना है, उसके बाद फिजिक्स उठाना है, फिजिक्स को भी 50 मिनट या 60 मिनट में निपटा दो, लेकिन मैथ में 1 घंटे 15 मिनट देना है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स से ज़्यादा बात करने वाले हैं। देखो, फिजिक्स में क्या करना है, जैसे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो पहले सही सही क्वेश्चन करना है, कि बीच में तुक्का भी लगाते रहना, 25 क्वेश्चन पहले सही करो, और आई थिंक 25 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं सही सही तो 25 क्वेश्चन 100 नंबर बन जाते हैं, और 25 क्वेश्चन करोगे तुम लोग तो उसको क्या करना है कि 25 क्वेश्चन करके फिर बाद में तुक्का लगाना है, जब दूसरी बार तुम लोग पेपर देखोगे, ठीक है। और फिजिक्स में कभी भी तैयार करते समय एनसीईआरटी हमेशा करके जाना है, एनसीईआरटी कभी भी छोड़ना नहीं, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि भैया मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराऊं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली 5 बजे से करा रहा हूं, उसमें तुम लाइव में जुड़ सकते हो। और देखो, ये फिजिक्स की क्या स्ट्रेटजी होती है, फिजिक्स में जो डेरिवेशंस होते हैं, डेरिवेशंस नहीं याद करना, जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये जो फार्मूला छोटे छोटे है ना, इसको भी याद करना है। थ्योरेटिकल बेसिस क्वेश्चन कहां से बन के आते हैं भाई, थ्योरेटिकल बेसिस क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से बन के आ गया,
ठीक है, कि अंदर से बन के आ गया कि भाई टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप पे क्वेश्चन बन के आ गए, तो ये तो थ्योरी बेसिक क्वेश्चन होता है ना, वो भी थोड़ा कम ही आते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल बेसिस पे जैसे थर्मल कंडक्शन ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं। अगर आप पास्ट 10 ईयर पेपर फिजिक्स से कर लेते हो तो उसमें से पक्का मैं बोल रहा हूँ गारंटीड कि 5-6 क्वेश्चन उसमें से पक्का रिपीट हो जाएगा। डेली हमारे साथ 5 बजे मैथ टेस्ट में जुड़ते रहिए, और अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो मैं नंबर दिया हूँ वहाँ पर क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी यार कोई भी दिक्कत हो तो कार्ड के भी आपके लिए जरूरी है, और यार ये बात पर ध्यान रखो कि यूट्यूब के लिए सबसे बड़ा चैनल आप देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, लाइक कमेंटेड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर।